समाधि का मतलब क्या है? तो गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसमें एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेश, ऋषिकेश और गुड़ाकेश वाला श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वो चलते हुए सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से कभी मुक्त नहीं रह पाता। तो कृष्ण का जो भक्त होता है निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है और इस तरीके से नींद और अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लेता है, इसी को समाधि बोला गया है। इसका मतलब जो भक्त कृष्ण का निरंतर स्मरण करता है वो नींद और अज्ञान पे विजय प्राप्त कर लेता है और उसी को समाधि बोला जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली कृष्ण का चिंतन करना। और गीता के दूसरे अध्याय के 57 श्लोक में बताया गया है कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है और उसके वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण से होता है जो कि सर्व मंगलमय है। तो ऐसा कृष्ण भावनामृत से मनुष्य जो पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है अच्छी प्रकार से, तो पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसको समाधि बोलते हैं, है ना। इसी श्लोक में शिला प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था 13 दिसंबर 1968 लॉस एंजलिस में, और शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमको ये डिटर्मिनेशन लेना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए कि ऐसे जीवन में मैं कृष्ण भावनामृत का इतना अच्छा अभ्यास करूंगा कि शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूं और सीधे गोलोक वृंदावन जाऊं। इसको बोलते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। कम से कम ये संकल्प ले हम कि इसी जन्म में हमको क्या करना है, कृष्ण भावनामृत का वो स्तर प्राप्त करना है कि जब शरीर छूटे तो हम कृष्ण का स्मरण कर सकें और वापस गोलोक वृंदावन जा सकें। इसी को व्यवसात्मिका बुद्धि बोला जाता है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिन लोग जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, जो लोग अत्यधिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनके पास इस प्रकार का निश्चय नहीं होता, वे चाहकर भी इस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बता रहे हैं कि हमको सरल जीवन जीना चाहिए। सरल जीवन का मतलब अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, सरल सादा जीवन, उच्च विचार। आजकल क्या है, सादा विचार उच्च जीवन, जबकि होना चाहिए सरल सादा जीवन उच्च विचार। तो इसलिए जो है हमको कम से कम जरूरतों को, कम से कम रिक्वायरमेंट्स पे रहना चाहिए, अपने लाइफ को इस तरीके से सिंपल करना चाहिए कि हमको 16 माला करने का जप करने का टाइम मिले, 1 घंटा शास्त्र पढ़ने का समय मिले कम से कम, और जो है हम लोग जो है समय पे सो पाए, सुबह जल्दी उठ के भगवान की आरती करें घर पे, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करें, साधु संतों को बुलाएं, भले ही हम जॉब करें कुछ भी करें, लेकिन कम से कम अपना बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा करें। इतना ज्यादा सुविधाओं के पीछे ना भागे कि हमको 16 माला करने के लिए समय ना मिले, हमको चाड़ने जो है हमको भागवत पढ़ने का, गीता पढ़ने का समय ना मिले, सत्संग करने का समय ना मिले, क्योंकि देखिए अंत में सत्संग रूपी धन ही हमारे साथ जाएगा, है ना, सत्संग रूपी धन ही हमारे साथ जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कब हो पाएगा, इसलिए हमारे लिए प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। हमारे लिए प्रोसेस क्या है, हरे नाम एवी केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो जिन लोगों का मन विषय भोग में लगा हुआ है उनके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है, इस युग में कोई विधि सफल नहीं हो सकती, केवल हरे कृष्ण की विधि सफल हो सकती है। कलेर दोषे निदे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तन एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। केवल हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा कोई भी व्यक्ति हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह कैसी भी स्थिति में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही वह हरे कृष्ण का श्रवण करेगा तुरंत इसमें शामिल हो जाएगा, उसका मन तुरंत ही कृष्ण से आकर्षित हो जाएगा और वो विषय भोग से ऊपर उठ जाएगा धीरे धीरे। तो ये सबसे सरल विधि है शब्द ध्वनि, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, है ना। तो जब ये करेंगे तो ही हम इन सबसे ऊपर उठ पाएंगे, अन्यथा और कोई साधन नहीं है। हरे नाम एवी केवलम कलो न अस्तेव न अस्तेव न अस्तेव, 3 बार बोला है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए, विषय भोग के पीछे भागना नहीं चाहिए,
सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पे जीवन जीना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना।